हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर जो होगी चौथी होगी। इसके पहले हमने परसेंटेज की तीन क्लास की है जिसमें आपको परसेंटेज बेसिक से लेकर एडवांस तक टाइप वाइज जो है आपको करवाया गया है। आगे आज की क्लास में हम आगे की टाइप का चर्चा करेंगे बच्चों। तो चलिए फटाफट से आज हम टाइप फोर का श्री गणेश करते हैं। और ये जो क्लास नंबर फोर है इसमें क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ अच्छे अच्छे टाइप आने वाले हैं, उस क्वेश्चंस को आज करेंगे। तो चलिए बच्चों फटाफट हम आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप कहाँ तक चला गया है, तो ये देख के पता चल गया कि टाइप हमारा 11 हो चुका है। यानी इसके पहले हम लोगों ने टाइप जो है 10 पढ़ लिया है, टाइप 10। यानी 10 टाइप के सवालों को हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग ये टाइप 11 में प्रवेश कर चुके हैं। टाइप 11 हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 1% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति वाई रुपए में 1 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। इसके पहले भी हम इस तरह के टाइप का जहाँ पे मूल्य की वृद्धि हुई थी, मूल्य में वृद्धि हुई थी, बस अंतर कुछ नहीं था, सेम चीज था, टाइप 10 और सेम टाइम 11 था। तो बच्चों मैं चाहूँगा कि इसको ठीक करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि क्या होगा अगर रियली में मूल्य में कमी होगा। डेफिनेटली अगर मूल्य में कमी होगा तो डेफिनेटली जिस मूल्य पर आप खरीद रहे थे चीनी, उस मूल्य में अगर कमी हुई है तो उसी मूल्य पर आज ज़्यादा चीनी मिलने वाला है। मूल्य कमेगा तो खपत बढ़ेगा, और खपत कब बढ़ता है, जब मूल्य कमता है। यानी मूल्य के कमने से खपत बढ़ता है और मूल्य के बढ़ने से खपत कम जाता है। कब, जब टोटल जो आपका कंजम्पशन है, आपने जो टोटल खर्च किया है वो अगर बदलता नहीं है, आप परिवर्तित रहता है, तो उस परिस्थिति में आपका मूल्य बढ़ने से खपत कमेगा और मूल्य के कमने से खपत बढ़ता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको हम दूसरी भाषा में कैसे कह सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य, क्या बोलेंगे इसको, बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य, ये कौन सा मूल्य कहलाता है, वर्तमान मूल्य। कौन सा मूल्य कहलाता है बच्चों, वर्तमान मूल्य। क्या कॉन्सेप्ट होता है, रकम बटे मात्रा, क्या बोलेंगे, रकम बटे मात्रा गुना प्रतिशत कमी या वृद्धि भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि दो कंडीशन है मूल्य में, या तो प्रतिशत कमी होगा या तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि होगा बच्चों। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बटे 100। इसी चीज को उन्होंने क्या लिखा है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 1% की कमी हो तो क्या 1/100 दिखा क्या, बिल्कुल सर दिख रहा है सर, है ना, प्रतिशत कमी या वृद्धि बटे 100 दिख गया। आगे कहता है कि वाई रुपए में, रकम वाई रुपए, और कितना केजी अधिक मिल रहा है, तो मात्रा नीचे ए, आप देखो वाई बटा ए भी आपको गिवन हुआ, क्लियर है। तो इस तरीके से किसी वस्तु के मूल्य में अगर कमी होगा तो खपत में वृद्धि होगा, सेम अमाउंट में आपको कुछ ज्यादा ही मात्रा में आपको चीनी या कोई और गुड्स मिलने वाला है। तो हमारे पास ड्यू टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बाई एक्स परसेंट ऑफ अ पर्सन कैन बाई 1 kg मोर कमोडिटी, तो 1 kg के जगह आप लिख पाओगे बच्चों कितना, तो 1 kg मोर कमोडिटी ऑफ आरिश, कितना रुपए, तो वाई रुपए, यहाँ पे आपको वाई रुपए करना पड़ेगा। देन द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ द कमोडिटी, यानी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा, या तो बढ़ा हुआ तो बढ़ा हुआ, और नहीं तो घटा हुआ तो घटा हुआ। तो प्रेजेंट वैल्यू जो होगा हमारा होगा x/100, यानी प्रतिशत कमी या वृद्धि बटे शाव और रकम बटे मात्रा। इसे आप याद कर लोगे बच्चों, क्लियर है। इससे आपका क्वेश्चन कौन सा बनेगा, ये रहा हमारा पहला सवाल। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का प्रति किलो आरंभिक मूल्य क्या है। अगर मेरे को कहेगा कि सर फॉर्मूले पे बताओ आरंभिक मूल्य निकालना है, तो मैं सबसे पहले तो निकालूंगा कौन सा, सबसे पहले निकालने का प्रयास करूंगा वर्तमान मूल्य। यानी बढ़ा है तो बढ़ा हुआ मूल्य और घटा है तो घटा हुआ मूल्य। कैसे निकलेगा बच्चों, रकम बटे मात्रा, फॉर्मूला को बिल्कुल याद कर लेना है, रकम बटे मात्रा गुने प्रतिशत कमी या वृद्धि बटे 100 या वृद्धि बटे 100। इस तरीके से आपने देखा कि रकम कितना है, तो रकम बच्चों 450 रुपये है, 5 kg अधिक मिल पा रहा है, प्रतिशत कमी 10% / 100, और 200 चला जाएगा आपका 5×45। अगर मेरे कोई सवाल में कहता कि वर्तमान मूल्य बता दो, तो हम बताते 9 रुपये प्रति kg, लेकिन आरंभिक मूल्य बोला है, तो फिर आरंभिक मूल्य कैसे निकलेगा।
आरंभिक मूल्य के लिए हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि सर आपने बताया कि 9 रुपये प्रति केजी है, वो भी कब, जब आरंभ के 10% कम गया है तब। तो 10% कमेगा तो 100 अगर पहले की वैल्यू था और 10 कम जाएगा तो 100 माइनस 10 होगा, यानी 90 की वैल्यू 9 है तो आरंभिक मूल्य 100 की वैल्यू क्या होगी, ये 0 से 0 चला जाएगा और 9 से 9 चला जाएगा, यानी 10 रुपये पहले की मूल्य थी। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर? तो इस प्रकार से आपने देखा कि आरंभिक मूल्य 10 रुपये प्रति केजी आया और आपका वर्तमान मूल्य आपका 9 रुपये प्रति केजी है। इस मूल्य से आपका 10% कमा है तो 9, 10 का 10% 1 रुपये कम जाता, क्लियर है। चलिए इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण तो चीनी का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है, यानी कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो मूल्य कमेगा तो ज़्यादा मिलेगा और मूल्य अगर कमा है तो यहाँ भी ज़्यादा मिला है, लेकिन अगर यही मूल्य बढ़ता तो आपको कम मिलता। दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक घटा है तो घटा हुआ मूल्य, यानी सीधे बोले तो वर्तमान मूल्य, बढ़ा है तो बढ़ा हुआ मूल्य, और दूसरा क्या, आरंभिक मूल्य, दूसरा क्या, आरंभिक मूल्य। तो बच्चों यहाँ पर क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन के लिए वर्तमान जो मूल्य होगा यानी जो घटा हुआ मूल्य होगा वो क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा रकम कितना, तो रकम 500 रुपये, मात्रा कितना तो 5, और प्रतिशत कमी 20 का अपॉन क्या होगा 100, 2 शून्य चला गया, 20 से 5 चौका 20, 5 से 5 भी चला सकते थे आप, वो ध्यान देने के ऊपर है, तो 20 रुपये पर केजी आपका ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा, यानी अगर मूल्य कमा है तो कमने के बाद उसका घटा हुआ मूल्य आएगा 20 रुपये पर केजी। अब रहा कि क्या हम इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं या नहीं, तो आओ बच्चों मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और आंसर मिलाकर दिखाता हूँ। अगर मूल्य 20% से कमा है तो 20% कमी का मतलब हो जाता है 1/5 की कमी, यानी कि 5 रुपये पहले का मूल्य था तो मूल्य क्या हुआ, मूल्य हुआ 5 रुपये से 4 रुपये, और आगे कहा कि मूल्य जब 5 से 4 हुआ है तो आपका खपत जो है वो बिल्कुल उल्टा होगा, 4 से 5 हो जाएगा। इस प्रकार से खपत किताब कहा कि कितना बढ़ा है, तो 500 रुपये में 5 केजी अधिक मिल रहा है, यानी 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 20 होगी और 5 की वैल्यू 25 होगी, यानी पहले 25 केजी हमारा क्या था, आपका खपत था, और 25 केजी जो खपत था वो 500 रुपये में मिलता था, तो 500 रुपये में 25 केजी मिलता था, तो पहले का रेट था 20 रुपये, अब का रेट क्या है, तो अब का रेट आपका ये देखना है कि 5 की वैल्यू 20 है, यानी 1 = 5 तो 5 = 25 हो जाएगा ना, 5 = 25 और 5 चौका 20, यानी 4 की वैल्यू, ये वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये वर्तमान आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास वर्तमान में 25 है और 500 रुपये खपत कर रहे हो, तो 500 रुपये खपत करके वर्तमान में 25 केजी आप प्राप्त कर रहे हो, यानी कि आपका पहले का रेट आपका यहाँ 20 से डिवाइड करने पर मिलेगा और अब का रेट आपको अब से डिवाइड करने पर मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 25 केजी खपत अब कर रहा है 500 रुपये में, तो 500 रुपये में 25 केजी मिलने का मतलब कि वह 20 रुपये पर केजी प्राप्त कर रहा है, और अगर पहले 20 केजी प्राप्त करता था तो अब तो मूल्य क्या हो गया है, कम गया है, तो आपका खपत बढ़ाकर मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हो इस क्वेश्चन को। इसके अलावा यदि मैं इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को करूं तो पहले क्वेश्चन को भी कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे करोगे बच्चों, तो देखिए कैसे करेंगे, कहा है कि भाई ऐसा है कि 10% मूल्य कमा है, 10% का मतलब क्या है 1/10, यानी मूल्य 10 से 9 हो गया, तो मूल अगर 10 से 9 हुआ तो खपत क्या होगा, तो खपत 9 से 10 होगा। किताब कहा खपत कितना बढ़ गया है, तो भैया मूल के कमने से खपत बढ़ता है तो 5 केजी अधिक मिला है, यानी 1 का वैल्यू अगर 5 है तो 10 की वैल्यू 50 होगी और 9 की वैल्यू 45 होगी, यानी 45 केजी पहले की खपत थी, अब आपको खपत 50 केजी का हो रहा है, यानी अब आपको दुकानदार 50 केजी दे रहा है। आप पैसे कितना खर्चा करते थे, तो पहले 450 रुपया करते थे और अभी पैसा 450 रुपये खर्च कर रहे हो, तो आप 50 केजी खरीद रहे हो 450 में, यानी मूल्य क्या था, तो 50 नमा, यानी 9 रुपये प्रति केजी हो गया। और यदि आप आज 450 रुपये खपत करके और 45 केजी पहले प्राप्त करते थे, यानी पहले प्राप्त करते थे 10 रुपये प्रति केजी,
यानी 10 रुपये प्रति केजी से मूल्य घट करके हो गया है 9 रुपये प्रति केजी। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका अगला सवाल। किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति उसकी खपत में इतनी कमी कर दे कि उस वस्तु पर खर्च में केवल X% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले वस्तु की खपत 1 किलोग्राम हो तो अब उसकी खपत क्या है? तो ये आपका ट्रिक है कि A × 100 + X × 100 + Y। और इस ट्रिक को मैं इजाद करता हूँ, प्रूफ करता हूँ, क्या होने वाला है देखता हूँ। तो बच्चों क्या हुआ, एक लाइन बनाओगे, लाइन रूल इसको बोलते हैं। सॉरी, तो टाइप 12 हमारा है, लाइन रूल से इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए, लाइन रूल इस क्वेश्चन के लिए पैनेसिया होगा, रामबान ट्रिक होगा। कैसे बच्चों? तो दुकानदार, एक तरफ लिख लो एस, एस फॉर शॉपकीपर यानी दुकानदार, आर सी फॉर कस्टमर, कस्टमर का फुल फॉर्म होता है कस्ट करके मर यानी कस्टमर। तो कस्टमर यहाँ पे बोलेगा कि भाई हम तो पहले खरीदते थे कैसे, X% वृद्धि हो गया है, यानी आप कह रहे हो कि अब वस्तु मिलेगा 100 + X में, और हम बोल रहे हैं कि हम मूल्य बढ़ा है। तो देखिए, 3 तरीके का टाइप होता है। पहला टाइप क्या था कि मूल्य बढ़ता था तो खपत को कम कर देता था, बस सीधे सीधे खपत को कम करता था। मूल्य कमता था तो खपत बढ़ा लेता था, कब? जब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो तब। अब थोड़ा सा कस्टमर नॉर्मल हुआ है, बोला है कि भाई चलो अगर मूल्य बढ़ा है ना तो हम भी थोड़ा सा क्या करते हैं, हम भी थोड़ा सा मूल्य बढ़ा है तो परिवार को टेंशन नहीं देते, पत्नी को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं कि ठीक है मूल्य बढ़ा है ना तो तुम जितना चीनी पहले बोलती थी उतना चीनी नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ एकदम जो है से चीनी कम नहीं लाएंगे, इतना लाएंगे तुम घर चला लोगी, तुम अच्छे से काम कर लोगी। तो मूल्य अगर X% से बढ़ा है तो अब तो जितना चीनी पहले खरीदता था उतना खरीदने में 100 + X लगेगा। तो बोला कि ऐसा करते हैं कि अगर मूल्य बढ़ा है तो हम भी थोड़ा सा बढ़ते हैं, यानी कस्टमर 100 रुपया ना खर्चा करके ये भी 100 + X खर्चा करेगा। तो ये देखिए, जितना जैसा खपत करोगे उतना चीनी मिलेगा, तो अगर 100 + X करोगे तो जितना पहले मिलता था उतना मिलेगा, अब तुम 100 - X कर रहे हो तो तुमको उसी अनुसार कम मिलेगा। तो हुआ क्या, आइए देख लेते हैं। तो कहता है कि ऐसा करने से यदि मूल्य वृद्धि से पहले वस्तु की खपत 1 किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम पहले मिलता था कै रुपये में, 100 + X रुपये में, अब तुम खपत कितना कर रहे हो, यहाँ X नहीं यहाँ Y होना चाहिए, यहाँ पर Y कर लीजिए आप लोग, तो यहाँ Y होना चाहिए। तो बच्चों 100 + X रुपये खर्च करते थे, 1 kg चीनी मिलता था, अब 100 + Y कर रहे हो, तो देख लेते हैं 100 + Y में कितना चीनी मिलेगा, यानी 100 + X में 1 kg मिलता था तो 1 में कितना मिलेगा, A/100 + X, तो 100 + Y में कितना मिलेगा, बोलिए क्या ट्रिक है। ट्रिक बनता कहाँ से, कॉन्सेप्ट से, बेस से, बेस अगर ठीक होगा, देखिए ट्रिक हम खुद बना देते हैं, तो ट्रिक बनाने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बेस को समझिए। ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय X%, अ पर्सन रिड्यूसेज इट कंजम्पशन टू सच एन एक्सटेंट दैट द एक्सपेंडिचर ऑन दैट आइटम इंक्रीजेज ओनली बाय X% इफ द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी बिफोर द प्राइस इंक्रीज वाज 1 kg, इसके जगह लिखेंगे Y kg, ठीक है। या ए लिखो, ज्यादा बेटर है ना, यहाँ पे ए मेंशन किया है क्वेश्चन में, ए मेंशन किया है तो ए लिखेंगे, यहाँ पर ए कर देना। तो यहां पर ए करिए, ठीक है, क्या करेंगे यहां पर ए करेंगे, यहां पर 1 kg कीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देन इट्स कंजम्पशन नाउ, यानी कि अब उसकी खपत क्या होगी, तो हम बोलेंगे सेम चीज हो गया, 1 kg मिलता है कब, जब 100 + X हम खर्च करते हैं तब, अगर मैंने 100 + Y खर्च किया तो उसके अकॉर्डिंग कितना मिलेगा, यूनिटरी मेथड से ये लाया गया है। अब इसके आधार पर हमारा क्वेश्चन क्या है, आइए बच्चों करते हैं। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हुई, बस कुछ नहीं, एक लंबा सा लाइन खींच देना है, एक तरफ एस को बिठा देना है, एक तरफ शॉपकीपर और एक तरफ कस्टमर को, मूल्य हुआ है वृद्धि कितना 30%, यानी दुकानदार बोल रहा है कि 130 रुपये खर्च करो तो पहले जितना चीनी हम तुमको देंगे, लेकिन क्या किया, परिवार अपना खपत को ही कम कर दिया और चीनी को बोला कि थोड़ा सा कम खर्च करो, है ना मैडम को, और खर्च केवल 10% बढ़ाया, यानी जहां ए भी जो है थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, यहाँ दुकानदार कह रहा है 130 खर्च करो पहले इतना चीनी देंगे, ये कह रहा है कि हम पहले इतना खपत करेंगे ही नहीं, हम
खपत को ही कम कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा चीनी का मात्रा तुमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी पहले से मैं थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करूँगा। तो यहाँ पे 110 खर्चा कर रहा है, तो फिर भी दुकानदार के अनुसार चीनी नहीं मिलेगा, क्योंकि दुकानदार कहता है कि तुम मूल्य वृद्धि से पहले चीनी तुम्हारा 26 केजी मिलता था ना, तो 26 केजी के लिए तुमको आज पे करना पड़ेगा 130, लेकिन तुम पे कर रहे हो 110, इसलिए तुमको 26 नहीं मिलेगा। 26 बचे 130 और 22 बचे 110, यानी 22 आपको केजी चीनी मिलेगा। आप जो ट्रिक से बनाना चाहते हो तो देखो, ए बटा 100 प्लस एक्स और इनटू 100 प्लस वाई, यानी कि ए क्या है, दिस इज ए एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। बच्चों क्या होगा, तो ए प्लस एक्स यानी 130 और ए कितना है 26, तो 100 प्लस 30 130 हो जाएगा और इनटू 100 प्लस वाई 110 आपका हो जाएगा। आप आंसर करो, सेम आंसर आपका 22 चला आएगा। तो ट्रिक से बनाओ या कॉन्सेप्ट से बनाओ, समझो इतना जितना आपका जरूरत है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइप 13। टाइप 13 क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में एक्स परसेंट की कमी हो जाने के कारण। तो देखो, हमने तुमको एक बार नहीं कई बार बोला कि अगर मूल्य कमेगा, डेफिनेट इस बात को तुम ध्यान से हटा लो कि अगर मूल्य कमेगा तो खपत बढ़ेगा। तो यहां दुकानदार और कस्टमर दोनों, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों नॉर्मल हुआ, यानी दुकानदार बोला बढ़ा है तो तुम बढ़ाओगे तो तुमको चीनी उतना देंगे, तो बोला कि हम उतना तो नहीं बढ़ाएंगे लेकिन चीनी की मात्रा कुछ ना कुछ बढ़ाना पड़ेगा मेरे घर के लिए, इसलिए हम पैसा भी थोड़ा बढ़ाएंगे। तो मूल्य बढ़ेगा तो दुकानदार के साथ साथ कस्टमर भी, कस्टमर को भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर मूल्य कमा है तो यहां कस्टमर दिमाग लगाएगा, क्या करेगा, खपत को भी बढ़ा देगा और पैसे को भी बचा लेगा। यानी अगर लाइन रूल के हिसाब से देखें तो एक तरफ हमारा एस बैठता हुआ नजर आएगा, एक तरफ कस्टमर सी बैठेगा। अब कहता है कि भैया 100 माइनस एक्स में तुमको पहले इतना चीनी मिल जाएगा, मूल्य में कमी हो गया है, तो कहा कि ऐसा बात है तो हम खपत भी बढ़ा लेंगे और क्या करेंगे, पैसा भी थोड़ा कम खर्च करेंगे 100 माइनस वाई। तो अब ऐसा है कि उसको मूल्य खपत, यानी पहले उसको मिलता था 1 केजी, तो 1 केजी के लिए उसको अब पे करने की जरूरत है 100 माइनस एक्स, लेकिन वो कर रहा है पे 100 माइनस वाई, हालांकि पहले से ज्यादा ही खपत कम कर रहा है, यानी सॉरी पहले से ज्यादा ही पैसा खर्च कर रहा है, तो चीनी तो बढ़ा के मिलेगा ही मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या हुआ, मूल्य के कमने से खपत डायरेक्टली बढ़ जा रहा है बहुत ज्यादा। तो कहा कि ऐसा करते हैं, कुछ पैसा भी बचा लेते हैं और खपत भी बढ़ा लेते हैं, बस यही हमारा क्वेश्चन था। इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेज बाय एक्स परसेंट देन इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेज, द इंक्रीज इज डन सच अ वे दैट देयर इज ए रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर बाय ओनली वाई परसेंट। इफ द कंजम्पशन ऑफ द गुड बिफोर द प्राइस रिडक्शन वाज 1 केजी, 1 केजी के जगह फिर हमको चेंज करना पड़ेगा 1 केजी, देन द कंजम्पशन ऑफ द गुड नाउ विल बी, यानी क्या करने की रिक्वायरमेंट है, तो 1 केजी के लिए उसको 100 माइनस एक्स रुपये परसेंट यानी पे करना है, लेकिन वो पे कर रहा है कितना 100 माइनस वाई। यानी सीधे सीधे मिला के कहा जाए तो इस क्वेश्चन में ये समझना है कि 1 केजी मिलता तो था कितने में, तो 100 माइनस एक्स में, अब कितने में तुम पे करना चाह रहे हो, इतना पे करना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तुमको मिलेगा। यानी जितना अधिक मात्रा मिलेगा कब, जब ज़्यादा पैसा पे करोगे तब, कम पैसे के पे करोगे तो कम आपको अमाउंट में वो चीज़ें मिलेंगी। यानी मैं, मुझे पहले से पता है कि 1 केजी के लिए कितना रुपये पे करना था और अब कितना पे करता है, तो जितना पे करेगा उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, चाय के मूल्य में 25% कमी हो जाने, तो 25% कमी हो गया। अब थोड़ा डायरेक्ट बिठाने का प्रयास कीजिए, ये शॉपकीपर हो गया, ये कस्टमर हो गया। अगर मैं टेक्निक से चलूँ तो ऐसे करूँगा, ए अपॉन 100 माइनस एक्स आर इंटू 100 माइनस वाई। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आप ऐसे करो, ए की जगह कितना है, तो 25% की कमी हुआ एक्स की वैल्यू और 15% की कमी हुआ वाई की वैल्यू, और आपका कमी के पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम, तो ये आपका ए की जगह पर है, तो ए की जगह 30 है, कब, जब आपने 25% कमी किया, यानी आप 75 पे कर रहे हो तब, 100 में से 25 जगह 75 ही तो होगा, और अब तुम 15% की कमी हो रहा है यानी 85 पे करना चाहते हो। देखो तो क्या करोगे, 15 × 75 और 15 × 30 और 5 × 17 = 85 यानी 17 × 34 यानी जहाँ तुमको 34 केजी मिल रहा है, कब, जब 30 केजी मिलता था उसके जगह 34 केजी। तुम यहाँ पर दो काम किए, पैसा भी कुछ बचा लिए और ज़्यादा मात्रा में आपने क्या किया,
ये कर लिया, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को भी ज़्यादा खरीद लिए। इसका कारण क्या है? मूल जो कमा उसी के अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आप करते, यानी मूल के कमने से खपत अगर उतने के अनुपात में बढ़ाते तो अलग बात हो जाती, वो पहले वाला टाइप था। लेकिन अब के टाइप में क्या हुआ, मूल बढ़ा है तो कस्टमर भी थोड़ा पैसा बढ़ाया, लेकिन मूल अगर कमा है तो कस्टमर पैसा भी कमा दिया और थोड़ा क्या किया, पैसे बचाने के साथ साथ उसने मात्रा भी बढ़ा के लिया। तो हम देख सकते थे कि शॉपकीपर के हिसाब से कह रहा था कि खर्चा कितना करो 75, हम तुमको पहले इतना दे देंगे, लेकिन ये कर कितना रहा है 85। तो ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है उसके बदले उसको क्या मिलेगा, 10 रुपये का अधिक मात्रा में उसको वो गुड्स मिलेगा। तो आपको 30 रुपये यानी 30 केजी मिलता था 75 खर्च करने से, अब तुम 85 खर्च कर रहे हो तो 30 केजी से तो कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। तो 15 × 5 = 75 और 15 × 2 = 30 और 17 × 5 = 85, 17 × 2 = 34 यानी 34 केजी आपको अब मिलने वाला है। ये आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है बच्चों, एक परीक्षा में ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट रहता है, आता ही आता है। कैसे इसका है, इसके दो तरीके से आपके कॉन्सेप्ट ये होंगे। कैसे होंगे बच्चों, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। तो देखो स्टूडेंट दो प्रकार से पास करता है, एक परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स ला के पास कर लेता है और एक जो उसका मार्क्स रहता है ना उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जितना टोटल के अकॉर्डिंग उसका मार्क्स आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग पास करता है। यानी एक न्यूमेरिकली वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका मार्क्स आता है और एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना परसेंट पास होना चाहिए वो लाता है। अब स्टूडेंट क्या किया, पास होने के लिए 33% अंक लाया, यानी अगर टोटल मार्क्स 100% है तो 33% लाएगा, तो ये पास परसेंटेज है, पास का ये परसेंटेज है और इधर आपका पास का मार्क है, यानी पास का मार्क्स है, पास मार्क्स और पास परसेंटेज है, ठीक है। तो पास मार्क्स कितना है 33%, पास मार्क्स कितना है 220 अंक लाया है और 11 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर 220 में 11 हम जोड़ दें तो 231 नंबर ला करके वो पास कर जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को कम अंक आया तो उतना अगर ग्रेस मार्क दे दिया तो पास नहीं कर जाएगा जी, तो उतना हम जोड़ेंगे, यानी जब फेल होगा तो उसको जोड़ना पड़ेगा, जब ज़्यादा लाएगा तो उसको घटाना पड़ेगा। अब 33 से ये 7 मरते कट जाएगा, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। इसमें पूछ क्या कह सकता है, तो आपसे पूछेगा टोटल मार्क्स कितना होगा, टोटल मार्क्स कितना होगा, तो टोटल मार्क्स आप जानते हैं 100%, तो 1% की वैल्यू 7 है तो हम समझते हैं कि 100% का वैल्यू 700 में आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब आपसे पूछ सकता है कि पास मार्क कितना है सर, तो पास मार्क के लिए तो आपको क्वेश्चन में पता चल गया था कि 220 और प्लस 11 231, यानी कई क्वेश्चन में आपको ये डायरेक्ट पता रहेगा और पास परसेंटेज भी इस क्वेश्चन में पता था कितना है, तो 33% ला के पास करेगा। लेकिन जब डबल स्टूडेंट का वाला क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें निकालना पड़ेगा ये तीन चीज, यानी इस तरह के सवाल में एग्जामिनेशन वाले सवाल में तीन तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कहता है जैसे देख लीजिए मिल ही गया, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया और 36 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरे देखिए आ गया दो कैंडिडेट का क्वेश्चन, तो एक तरफ हम लिखेंगे फर्स्ट कैंडिडेट और एक तरफ लिखेंगे सेकंड कैंडिडेट और दोनों को हमको पास कराना है, बस दोनों को पास कराना है। तो बच्चों 23% अंक लाया तो है, लेकिन वो जो 23% लाया वो हमारे पास मार्क्स का पास का परसेंटेज के इक्विवेलेंट नहीं है, बिकॉज 23% ला करके अगर वो 36 अंक से फेल ही हो गया इसका मतलब है कि वो 23% हमारे पास परसेंटेज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो हमको करना क्या होगा, 36 अंक दे के उस विद्यार्थी को पास करना पड़ेगा। ये पहला विद्यार्थी हो गया पास, दूसरे को भी ऐसे ही पास ही करना पड़ेगा। कैसे पास करेंगे, दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक लाया और जा करके आपको उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 48 अंक ज़्यादा लाया, तो हम बोलेंगे बाबू तुम तो इतना नंबर ले आया है कि पास परसेंटेज से भी कुछ ज़्यादा है, तो तुम ऐसा करो ओनली पास करो, एक्यूरेट पास करो, तो जो ज़्यादा लाया उसको कम कर देंगे। अब देखो नियत का तुलना नियत से होगा, यानी परसेंटेज वाला जो है वो वैल्यू एक तरफ जाएगा और न्यूमेरिकल वैल्यू आपका एक तरफ जाएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 36 और 48 एक तरफ आएगा तो ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, और ये 35% पहले से था और ये प्लस 23% इधर जाएगा माइनस में, तो 23 घट जाएगा 35 से तो 12% आएगा। और देखिए 36 और 48 मिलकर के 48 × 54 = 30 = 84 हो जाएगा, फिर से 1% का वैल्यू पिछले सवाल की तरफ 7 आता हुआ, 1% अगर 7 को कॉरस्पॉन्ड करेगा तो 100% जो हमारा टोटल मार्क्स होगा वो आपका 700 को रिप्रेजेंट करेगा।
अब इसमें आपको पास परसेंटेज भी निकाल कर सिखाते हैं कि पास परसेंटेज कैसे होगा। तो या तो आप पहले विद्यार्थी से निकाल दो या दूसरे विद्यार्थी से। तो बच्चों अगर मैं कहूँ कि 23% जो है ये तो प्रतिशत में है ही, लेकिन 36 अंक और जोड़ोगे और इसे परसेंटेज में लाना होगा। तो तुम बोलोगे कि सर 12% का वैल्यू 7 था, ये 84 था, इसका मतलब है कि 36, यहाँ से आप ऐसे कर दो ना, 7 अंक का 1% मिलता है, तो 36 अंक का कितना प्रतिशत मिलेगा, तो 36/7 कर दो। क्यों? क्योंकि 1% बराबर 7 अंक, तो 7 अंक बराबर 1%, तो 1 अंक बराबर 1/7%, तो 36 अंक बराबर 36/7%। इसे तुम सॉल्व करोगे बच्चों तो 23% तो तुम्हारा दिखता हुआ है, 7 बचे 35, 5 पूर्णांक 1/7, यानी कि 28/7 आपका प्रतिशत आ जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोल दे पास मार्क्स, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता है निकालना। कैसे निकालेंगे? तो आप 23% आप प्लस 36 मार्क्स। एक बात बताओ, 1% का वैल्यू 7 है, तो 23% का वैल्यू 23×7 होगा, आप प्लस 36 नंबर और लाया, 23 सते 161 होगा बच्चों, और 36 आप ऐड करोगे, 160 और 30 90 और 7 197, यानी कुछ नहीं किया मैंने, 23% की वैल्यू निकाल दी मार्क्स में। कैसे? 1% का वैल्यू 7 था, तो 23% 23×7 होगा, और प्लस 36 जो अगला लाया था और जो फेल हो गया था उसके लिए ऐड करेंगे तभी तो पास होगा ना। तो ये पास मार्क्स निकला, ये पास परसेंटेज निकला, और ये टोटल मार्क्स निकला। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और तीनों क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है बच्चों? एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थियों अंग्रेजी में, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 73% परीक्षार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 348 है, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बताते हैं, ऐसे इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल आपको हम एक अलग से एक टाइप लेकर आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एक वेन डायग्राम सिखाता हूँ। देखिए वेन डायग्राम आपका क्या बताएगा? वेन डायग्राम आपको क्वेश्चन को बहुत इजी कर देगा इस क्वेश्चन के लिए खास करके। कहता है एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, तो ओवरऑल ही बाहर वाला सर्कल इंग्लिश कहलाएगा, और ये बगल वाला सर्कल क्या कहलाएगा? मैथ, और ये आपका दोनों कहलाएगा, बोथ कहलाएगा। और डायग्राम या तो तुम फेल बनाना तो सबको फेल कर देना, पास बनाना तो सबको पास कर देना। आओ बच्चों सिखाते हैं क्या है। इंग्लिश में 70% अभ्यर्थी क्या हुए? तो पास किए हैं, बिल्कुल उत्तीर्ण माने पास। इंग्लिश में 70 किए अंग्रेज सॉरी परीक्षा में 70%, हाँ अंग्रेजी में 70% किए और 65% गणित में किए, यानी मैथ में कितना हो गया 65%, और दोनों में कितना हुआ सर? तो 73% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। क्या बात है, तो 73 हो गया। अब 70 से 73 कभी जाएगा? बोले काहे नहीं जाएगा सर, -3 आएगा। और 65 से 73 चला जाएगा, तो 65 से 73 जाएगा, 65×8 73, 8×5 13। अब देखिए इन तीनों को जोड़ करके आपको जो भी आ जाए, तो 73 और 8×3 11 आपका घटेगा, तो 73 से 11 चल जाएगा, मैं समझता हूँ 3 में से 1 गया 2 और 7 में से 1 गया 6, यानी 62% आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन की वैल्यू आएगी, यानी 62% ओवरऑल क्या किया? पास किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 62% की जो वैल्यू है वो 248 है, यानी 248 विद्यार्थी जो पास किया वो 62 के बराबर है, तो 100% कुल कितने विद्यार्थी है? तो 62 चौके 248, 4×100=400, इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, यानी इस एग्जाम में टोटल 400 अभ्यर्थी बैठे थे। क्लियर है ना? चलिए अगला क्या है, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अलग अलग विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशतता को जोड़ने और दोनों विषयों में एक साथ दिए गए उत्तीर्ण प्रतिशतता को घटाने से आपको मिलेगा, है ना, उत्तीर्ण प्रतिशतता प्राप्त होता है। टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस द पासिंग परसेंटेज इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द पासिंग परसेंटेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड कंपेयरिंग द पासिंग परसेंटेज गिवन इन बोथ द सब्जेक्ट टुगेदर। देखिए है क्या, मैं इसको लिखाई देता हूँ। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन बी का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए अगर इस पे बिठाते हैं, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन था हमारा कि टोटल अपने आप में 100% होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 65% विद्यार्थी किसी एक सब्जेक्ट में थे, 70% दूसरे में थे, और आपका कितना था तो देख लिया जाए 62% था, नहीं 73% था, तो 73%, यानी आप पहले वाले में बिठा दिए किसको, तो पहले वाले में आपने बिठाया 65 को, दूसरे वाले में 70 को, अलग अलग जो दे रहेगा उसको बिठाएंगे, और टोटल जो इंटरसेक्शन यानी दोनों को,
तो 70 और 73 में कितने का अंतर, -3 का, तो 65 से 3 गया 62%। देखिए इससे आप समझ गए होंगे, ये आपका 100% होता है जिसमें ये 62% आपको पास किया, यानी फेल कितना किया, तो फेल आप निकाल सकते थे 38%। इस तरीके से आप पास वाले को पास के साथ कंपेयर करके बना सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है सर, तो अगला क्वेश्चन हमारा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, इलेक्शन स्टार्ट हो गया और इलेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। देखिए एक इस तरह के सवाल में क्या होता है कि दो प्रकार की बातें होती है। पहला क्या होता है कि यदि आप ये देखें कि जैसे अगर हम विन लिखे और लॉस लिखे तो 100% टोटल वोटिंग हुई और यहाँ पे वैध अवैध ऐसा कोई चर्चा नहीं है, नहीं तो अवैध की चर्चा है नहीं तो नोटा की चर्चा है, यानी सारे के सारे वोट क्या हैं आपका वैध है, यानी 100% जो वोटिंग हुई वो सारे के सारे वैध हैं। चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक 35% मत प्राप्त किया तो जीता थोड़ी होगा जी, 65 वाला जीतेगा और 35 वाला है ना हार जाएगा, तो 15,000 मतों से हार भी गया। देखिए लिख भी दिया तो 35 और 65 में कितने का अंतर है, 30 का। तो हमने क्या किया, इसको 100 बनाया, क्योंकि अगर 35% लॉस किया हारने वाला लाया तो 65% जीतने वाला लाएगा, 100 से माइनस कर दिया। अब इन दोनों में अंतर कितने का, 30% का, और यही कहा कि 15,000 मतों से हार गया, यानी 15,000 वैल्यू 30% का है। तो कह रहा है इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, सॉरी जीतने वाले को कितना मत मिला, यहाँ जीतने वाले को पूछा है। अगर आपसे पूछता कि टोटल कितने मत पड़े तो 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमने पूछा जीतने वाला तो 65 का मल्टीपल होगा, सो 30 पचे 150 और 500 इधर आ जाएगा, 65 पचे 325, यानी जीतने वाले को विन होने वाले को आपको 32,500 वोट डाले गए। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है ए का वेतन बी के वेतन का 35% है और बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। तो देखिए बी डिपेंड है सी पर, तो सी को 100 मानेंगे तो बी क्या हो जाएगा 140, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, ओनली 40 हो जाएगा क्योंकि लिखा है बी का वेतन सी का वेतन का 40% है, और आगे लिखा ए का वेतन बी के वेतन का 35% है, यानी 40 का 35%, 35/100, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से कहा तीनों का कुल वेतन 19,250 है, तो बच्चों सबसे पहले तो तुम ये काम करोगे, इसको डिजाइन को सही करोगे, 20 × 40 और 20 × 100 और 5 × 35, 7 × 14, तो 40, 14, 54 और 100, 154। अब देखिए 22 से कट जा रहा है, 22 × 7, 154 और 22 × 8, 176, बाकी बचा 16, तो 22 × 7, 154, बाकी बचा 11, 22 × 5, 110 और 7 × 125, 7 × 875 और निकालना किसका है बच्चों, तो कह रहा है ए और बी के वेतन में अंतर, तो 14 और 40 में कितने का अंतर है, 40 से 14 चला गया, 26 का अंतर है। अब 125 को 26 से गुना करना है, 26 × 5 = 130 का 0 हो गया हाथ में तेरा, 26 × 52 = 63, 26 × 1 = 26 और 6 = 32, यानी 3,250 आपका, ये आपका ए और बी का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारा ए और बी का गैप पूछा था, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, तो देखिए जब नौकरी वाले लोग होते हैं तो ऐसे ही पैसा खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, तो 100% उसका आया सैलरी, 25% खाने पर कर दिया, 20% किराया पर कर दिया, जोड़ते चलो एकदम फिक्स के लिए है 25 और 20 = 45 और 45 और 10% पढ़ाई पर किया, 45 + 10 = 55। अब बताइए यदि 75 रुपया आयकर दिया, तो तुम सोचो अगर ये आयकर नहीं देता, सरकार को इनकम टैक्स नहीं देता, तो ये भी पैसा तो बचा लेता, तो बहुत सारे लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं वो बचा ही लेते होंगे। तो यहाँ पर से देखिए क्या है, ये तीनों था परसेंटेज में तो ये तो ठीक रहा, लेकिन आगे जो नियत वैल्यू दे दिया वो दिक्कत कर दिया, तो 75 आयकर देने के बाद 465 बचता है, यानी 7, 5, 12 और 46, 7, 52 और 1, 53, तो 65 है ना, तो 5, 5, 10 का 0 हो जाएगा और 7, 6, 13, 1, 14 हो जाएगा और 4, 1, 5, 540, यानी 540 बचाता है कब, जब आपको उतना खर्च करता है, तो कितना खर्च किया, 25, 20, 45 और 10, 55, तो बचाया कितना 45, यानी 45% की वैल्यू 540 है। क्या पूछा, उसकी आय कितनी है, 100 से गुना कर दो, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 12 × 5 = 60, यानी इस व्यक्ति की इनकम कितना है 1200। यानी इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था, तो मेन कॉन्सेप्ट आपका ये था कि जो उसके पास 75 रुपया इनकम टैक्स दिया, तो इनकम टैक्स देने के बाद कितना बचा, तो 465 बचा, इसका मतलब इनकम टैक्स नहीं देता तो भी बच जाता, यानी 46 और 7, 520, 47, 7, 530, 53 हो जाएगा और 10, 540 की वैल्यू 25, 20, 45, 10, 55% घट जाने के बाद 45% के बराबर है, 100 निकालना है।
चलिए बच्चों, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है, तो 25 लीटर घोल में 20% चीनी है, घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो अगर 25 में 5 लीटर उड़ा दिया गया तो हमारे पास 20 में भी 20% चीनी रहेगा। यानी आप पानी को जब घोल को गर्म करते हैं तो पानी नहीं उड़ता है जी, चीनी थोड़ी उड़ता है, यानी अभी भी 20 लीटर में आपका 20% चीनी है। अब कहता है कि बास उड़ा देगा, शेष बचे घोल में चीनी का परसेंटेज क्या है? तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि शुरुआत में आपका, यानी कहने का मतलब चीनी का परसेंटेज, तो चीनी का परसेंटेज थोड़ा बदलेगा, यानी हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 25 में 20% था तो 25 लीटर घोल में 20% चीनी था, अब आप क्या किए, 5 लीटर पानी को बढ़ा दिए, तो घोल तो हो गया 20 का, लेकिन चीनी तो इसका मात्रा के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना ही होगा। तो देखिए ए बी रूल आप ध्यान रखिए, एक्स का वाई प्रतिशत बराबर वाई का एक्स प्रतिशत। बच्चों आप इसका आंसर इस क्वेश्चन में था कि 25 का 20% बराबर 20 का 25%, यानी आंसर हो गया कितना परसेंट, 25%। आप काट के भी निकाल सकते हैं कि 25 का 20% अगर करेंगे, यानी कि 25 का 20% अगर चीनी था तो अब 20 लीटर के घोल में कितना परसेंट है, तो देखो ना यार आराम से 20 से 20 कट जाएगा, एक्स बराबर 25 दिख रहा है ना, इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये हमारा अंतिम सवाल था, और कहीं ना कहीं इस सवाल में आपको पहले से भी ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए थे कि मिल्क मिलाना वाटर सेम, वाटर मिलाना मिल्क सेम, यानी पानी उड़ा तो आपको क्या करना था, चीनी को सेम करना था, और चीनी को ही सेम किया गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल ये रहा कि एक्स गुने वाई प्रतिशत बराबर वाई गुने एक्स परसेंट, ये रूल हमेशा आप ध्यान रखेंगे और ये रूल करवाया गया है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप सभी को मेरी वीडियो कैसे लगी, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो के ऊपर कमेंट करेंगे और अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई उत्साह ऊर्जा और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।